एवरीवन, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, फैमिली के साथ होंगे, सेफ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज आप सबके साथ जो प्लांट मैं शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है, क्लाइंबर्स है, मतलब कि ये एक वाइन टाइप का है और बहुत खूबसूरत सा फ्लावर इसमें खिलते हैं, ढेरों सारे फ्लावर खिलते हैं, लेकिन सच कहूँ तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो चलिए इसके केयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट है ये पैशन फ्लावर है, इसको कृष्ण कमल भी बोलते हैं और राखी बेल भी बोलते हैं और बंगालीज इसको झुमकोलता बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है इस प्लांट का, मेडिसिनल वैल्यू भी है, तो मैं सभी आप सबके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी और किस तरह से इसको प्रोपेगेट किया जाता है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो पहले तो दिखा देती हूँ, देखिए ये जो प्लांट है ये वैसे अगर लाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये प्लांट फुल डायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और पार्शियल शेड में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा है ये एक क्लाइंबर्स है तो इसीलिए इसको सहारे की ज़रूरत होती है। देखिए मैंने इसको इस तरह से ग्रो कर रही हूँ, ऐसे इसको सहारा दिया हुआ है ताकि ये ऊपर चढ़ सके। ये देखिए इस तरह से मेरा जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। इस प्लांट को मैं पिछले साल लाई थी और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से मैं इसको ग्रो कर रही हूँ, ये देखिए। और बुशी टाइप का प्लांट है और बहुत सारे पत्ते भी होते हैं तो गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा होते हैं। और देखिए इस तरह से इसमें फ्लावर खिलते हैं। वैसे इसका तो बहुत सारे स्पीसीज होता है, लगभग 550 से ऊपर इसका स्पीसीज मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्लावर तो खिल चुका है, कुछ अभी खिला हुआ है और कुछ बर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो खिल गया है इसको मैंने उतारा नहीं है, फेंका नहीं है, क्योंकि इससे ही ना इसका फ्रूट्स बनते हैं जो कि ईटेबल है, यानी कि उसको खाया भी जाता है। तो वैसे ये तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे है क्योंकि अभी तक तो मेरे गार्डन में फ्रूट्स नहीं बना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बर्ड्स लगे हुए हैं, इससे फ्लावर खिलेगा और जो फ्लावर ऑलरेडी खिल चुका है उसको भी मैं रहने दिया है ताकि उससे भी अगर फ्रूट्स बन जाए तो अच्छा है, वो भी देख पाएंगे, खा भी सकेंगे, तो उसका टेस्ट कैसा होता है वो भी देख लेंगे। वैसे अभी तक मैंने पैशन फ्रूट्स तो नहीं खाया है लेकिन बहुत ही हेल्दी होता है, तो वो भी मैं खाना चाहती हूँ, देखती हूँ कब होता है। और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ही अच्छा होता है, तभी इसमें बहुत ढेरों सारे फ्लावर खिलेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ फ्लावर अभी खिला हुआ है, वैसे आज इसमें 7 फ्लावर खिले हैं, 7 फ्लावर्स खिले हैं इसमें। और कंटेनर जो है वो मैंने पहले ही कहा है बड़ा वाला लेना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। तो मैंने एक ऑयल कंटेनर यूज़ की है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ताकि प्लांट को थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी मिले और प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाए। वैसे अगर इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, तो इसीलिए मैं कंटेनर में ग्रो करना ही प्रेफर करती हूँ। तो देखिए इस तरह का ऑयल कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा प्लांटर जब लेना चाहती हूँ तो। और उसको मैं पेंट कर लेती हूँ ताकि प्लांटर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से है, ये देखिए इसमें ही मैं इस प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। और मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन सॉइल में लगे हुए है प्लांट, इसमें गार्डन सॉइल है, थोड़ा सा सैंड मिला हुआ है और कंपोस्ट मिली हुई है और थोड़ा सा मैं उसमें नीम खली भी ऐड कर दी थी। ये देखिए भुरभुरी सा मिट्टी है और इसी मिट्टी में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। वैसे बहुत ही हार्डी प्लांट है, नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी हो जाता है, लेकिन कंटेनर में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल रखना ही अच्छा होता है, ताकि जब बारिश के टाइम पे अगर पानी बहुत ज़्यादा भी गिरे इसमें तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ना हो जाए, तब प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकता है इसीलिए। तो देखिए इस तरह से ये प्लांट ग्रो हो रहा है। इस प्लांट का जो फ्लावरिंग का टाइम है वो समर से स्टार्ट होता है, लेकिन मानसून में ही सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ होता है और फ्लावरिंग होते हैं। विंटर इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, उस टाइम पे कोई भी फ्लावर नहीं खिलता है, लेकिन प्लांट हरा भरा ही रहते हैं पूरे साल।
और देखिए इस तरह से इसमें फ्लावर है। तो मेरे पास इसका 3-4 वैरायटी है, वैसे पर्पल 2 वैरायटी का है और एक रेड कलर के भी है और ये तो वाइट कलर का है। तो जो और कुछ वैरायटी है वो मैं और एक वीडियो में आप सबके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। और इस प्लांट का और एक खासियत जो है वो है इसमें डिजीज़ वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने अभी तक कुछ भी डिजीज़ नहीं देखा है, लेकिन कभी कभार इसमें मिली बग्स होता है मैंने सुना है, मेरे गार्डन में अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि मिली बग हो रहा है तो थोड़ा सा आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं या जो लिक्विड सोप होता है उसका थोड़ा सा पानी में घोल के वो भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो वो मिलीबग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं फर्टिलाइज़र तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, बाकी सब प्लांट में जब कंपोस्ट डालती हूँ वैसे इसमें भी किचन वेस्ट ऐसे कुछ डाल देती हूँ, और बनाना पील का फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो भी मैं कभी कभार डाल देती हूँ। इस प्लांट का कुछ रिलीजियस वैल्यू भी है, वैसे हिंदू रिलीजियन में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इसको कृष्ण कमल भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं वो भी चलिए आप सबके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो थिन पर्पल और वाइट कलर का पेटल्स दिख रहा है इस फ्लावर में ना, वो 100 पेटल्स होता है, अगर आप गिनेंगे तो 100 पेटल्स ही मिल जाएगा, जो कि महाभारत का कौरव को रेफर करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सेंटर में 5 दिख रहा है येलो कलर का छोटा छोटा पेटल्स टाइप का, वो रेफर करता है पांडव को। उसके बाद जो सेंटर में एक येलो कलर का बल्ब जैसा दिख रहा है ना, वो रेफर करता है द्रौपदी को जो पांडव की रानी है। उसके ऊपर जो 3 फिलामेंट्स दिख रहा है वो रेफर करता है ब्रह्मा विष्णु एंड शिव जी को। और बाहर में जो दिख रहा है वाइट कलर का पेटल्स, वो रेफर करता है सुदर्शन चक्र जो कि लॉर्ड कृष्णा का है। तो इसी के लिए ही इसको कृष्ण कमल भी बोला जाता है इस फ्लावर को। और हाँ, ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसीलिए कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं अगर कहीं पे मिल जाए तो, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा जो लीफ नोट है वो मिट्टी के नीचे ज़रूर होना चाहिए, वहाँ से ही इसका जो रूट है वो डेवलप होगा। इस फ्लावर का बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि ये एंग्जाइटी इंसोमनिया स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और फूड एंड बेवरेज में इसका फ्लेवर को यूज़ किया जाता है, तो हुआ ना एक बहुत ही खूबसूरत सा यूज़फुल प्लांट। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने पसंद भी किए होंगे। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।